एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन इन द क्रैश कोर्स सीरीज। आज इस सेशन में स्पेसिफिकली मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूंगी जो कि अब लेबर लॉ, आईबीसी, टीपीए और कुछ अदर लॉ सब्जेक्ट्स से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तक हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इस सीरीज में कवर कर लिए हैं। एग्जाम राउंड द कॉर्नर है, हमें एंजाइटी हो रही होगी। अब क्या इस टाइम पे हमें कोई नई चीज़ पढ़नी चाहिए? नहीं, हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, बट हाँ, एक बार रिविजन करना हमारा बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। अब मैं आईबीसी के फंडामेंटल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आईबीसी के फंडामेंटल्स नीलम मैम ने ऑलरेडी अपनी मास्टर क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, पर मैं आईबीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ लेना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का पहला केस है कैपेरो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड वर्सेस उमेद सिंह लोधी। ठीक है, 2021 का केस है। जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस ए एस बोपन्ना इसमें है। नाउ सी, दिस इज़ अ लेबर लॉ केस स्पेसिफिकली ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्यों है? वेन एवर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजेज विद रिस्पेक्ट टू अ फैक्ट्री और अ इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से गवर्न होता है। उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 9A। सेक्शन 9A एक बहुत सिंपल सी बात कहता है कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करता है वर्क करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दे आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड ही इज ट्रांसफरिंग देम टू मुंबई, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव देम अ नोटिस। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सर्व देम अ नोटिस। प्लस इफ एनी काइंड ऑफ चेंज इन द वर्किंग कंडीशन इज हैपनिंग, ठीक है, तो उन्हें नोटिस सर्व करना पड़ेगा सेक्शन 9A में एंड 4th Schedule में। अब इस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ था, कुछ वर्कर्स थे, दे वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन देवास एंड वहां से उनके एम्प्लॉयर ने सडनली उनको उठा के 900 किलोमीटर दूर किसी और सिटी में भेज दिया। ऐसा वर्कर्स का क्लेम था कि ये उनके एम्प्लॉयर ने इसलिए करा क्योंकि वो मैक्सिमम वर्कर्स को निकालना चाहता था, स्ट्रेंथ को कम करना चाहता था फैक्ट्री की या फिर इंडस्ट्री की, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स ने ये क्लेम करा कि क्योंकि एम्प्लॉयर ने उनका नेचर ऑफ वर्क पूरा का पूरा चेंज किया है, तो दे आर फॉलिंग अंडर 4th Schedule एंड सेक्शन 9A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ सर्विस कंडीशंस हुई है और नेचर ऑफ वर्क हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनका एम्प्लॉयर उन्हें एक नोटिस सर्व करे। नोटिस सर्व करने के साथ साथ उनको ये ऑप्शन दे कि वो असर्टेन कर पाएं कि उन्हें जाना है या फिर नहीं जाना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क पे काम करना है। तो यहाँ पे क्योंकि विदाउट चेंज एंड विदाउट सर्विंग ऑफ नोटिस उन्होंने डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने उनके वर्किंग प्लेस को चेंज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा कि ये जो सिचुएशन है इन द प्रेजेंट केस, दिस इज फॉलिंग विद इन 4th Schedule एंड सेक्शन 9A, विच सिंपली मीन्स दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अ नोटिस हैज टू बी सर्व्ड वेन देर इज अ चेंज in the nature of work, and this present case will fall within 4th Schedule and section 9A. This is what the Supreme Court had clarified in the given case in hand. तो हम पॉसिबिलिटी है कि यदि इस केस से हमें कोई पैसेज एग्जाम में आता है तो हमें उसको सेक्शन 9A आईडी एक्ट पे या कोई और एंसिलरी सेक्शन पे या शेड्यूल 4 पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, अब मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आईबीसी से जो डायरेक्टली रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है। पहला केस है अमित कातियल वर्सेस मीरा आहूजा, इट्स 2022 जजमेंट। ऑलराइट, इस केस के अंदर सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी की बात हुई है कि सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी का स्पेसिफिकली पर्पस क्या है। ठीक है, मेजर इशू यहाँ पर ये था, पहली बात तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की थी आर्टिकल 142 के अंदर, तो हमें 142 पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस केस के अंदर कोर्ट ने रेफर किया था एक लैंडमार्क केस, दैट इज स्विस रिबॉर्न केस। अब ये जो केस है ना, ये काफ़ी लैंडमार्क केस है, और क्योंकि इस केस के अंदर ये लैंडमार्क केस रेफर्ड है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में हमें इससे कोई ना कोई पैसेज पूछा जा सकता है। अब हमसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा है, हम यहाँ पर जो मेजर इशू था वो ये था कि सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है उसका स्पेसिफिकली पर्पस क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं सेक्शन 14 क्या बोलता है। सेक्शन 14 बात करता है मॉरेटोरियम की,
ठीक है, अब ये मॉरेटोरियम क्या चीज है? नाउ सी, ये जो मॉरेटोरियम है सेक्शन 14 में, ये कब ऑर्डर किया जाता है? जैसे ही इनसॉल्वेंसी का प्रोसेस कमेंस होता है, जैसे ही द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस कमेंसेस, देन द ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम इज पास, एंड इन दिस पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम ऑल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड. ठीक है, टेक्निकली इफ यू हैव रेड सेक्शन 14, उसमें एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड ऑपरेशंस दे रखा है जो कि सस्पेंड हो जाती है जैसे ही मॉरेटोरियम ऑर्डर होता है, व्हेन दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कमेंसेस. अब मेजर इशू जो इस केस में था वो ये था कि क्योंकि सेक्शन 14 में मॉरेटोरियम में आप स्टॉप कर रहे हो कंपनी को किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए, दैट मींस द मोटिव ऑफ ऑर्डरिंग मॉरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 इज नॉट टू रिवाइव द कंपनी बट टू किल द कंपनी. तो ये क्लेम किया पार्टी ने कि सेक्शन 14 जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि कंपनी किल हो जाए, क्योंकि आप उसे मना कर रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए या कुछ भी एंटर करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करते हुए ये बोला अमित कात्याल के केस में कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन 14 का ये मोटिव है कि कंपनी किल हो जाए, बल्कि सेक्शन 14 का ये मोटिव है कि कंपनी बिजनेस चलता रहे एज अ गोइंग कंसर्न. और जब तक ये कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, इसे स्मूथली इंश्योर करने के लिए, इसका स्मूथ इंश्योर करने, स्मूथली फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए कोर्ट अथॉरिटी सेक्शन 14 के अंदर मॉरेटोरियम ऑर्डर करती हैं. तो कोर्ट ने अमित कात्याल के केस में ये क्लैरिफाई करा कि सेक्शन 14 का ऑब्जेक्टिव कंपनी को किल करना नहीं है, बल्कि कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न चालू रखना है ताकि वो किसी और डेट या किसी और फर्दर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एंटर ना करे. सो टू एस्केप एंड टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एंटर इन टू एनी फर्दर लाइबिलिटी, सेक्शन 14 के अंदर अथॉरिटीज मॉरेटोरियम ऑर्डर करती हैं. तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अमित कात्याल वाले केस में अपना जजमेंट दिया. ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्ट असेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गिरनार फाइबर्स लिमिटेड. अगेन इट इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी जजमेंट, दिनेश माहेश्वरी एंड अनुराधा भोस्ता. इसमें मेजर क्वेश्चन ये था कि क्या इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोर्ट जो है वो मनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करता है या फिर वो सिर्फ अप्लाई करता है टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. For this, the court has referred to Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code. ठीक है, अब Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code जो है वो है commencement of the process. Section 7 of Insolvency and Bankruptcy Code जो है वो बात करता है commencement और initiation of the process of corporate insolvency by इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर. काफी बेसिक प्रोविजन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिक्स मैम ने डिस्कस करे हैं अपने मास्टर क्लास में, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं यदि आपको ये बेसिक्स नहीं पता है. तो मैं इसको केस प्रोस्पेक्टिव से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, कोर्ट ने सेक्शन 7 को रेफर करते हुए इस पर्टिकुलर केस में ये एक्सप्लेन करा कि टेक्निकली क्या मोटिव है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का. इसका मोटिव है कि ये कॉर्पोरेट डेटर को अपनी फीट पे ला सके, ना कि मनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स को कवर करना. सिंपल सी बात है, डेटर को इस स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी का मतलब है फैसिलिटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, सो दैट द कॉर्पोरेट डेटर शुड कम ऑन हिज फीट टू पे बैक वॉट एवर अमाउंट इज इनकर्ड ऑन हिम. ऑलराइट, एंड नॉट टू रिकवर, एंड इट इज नॉट पर से, इट डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिकली मनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स. सिर्फ मनी को रिकवर करने के लिए जब भी आप कोई प्रोसीडिंग फाइल करते हैं, सिर्फ वो बातें सेक्शन 7 में या इंसॉल्वेंसी में कवर नहीं होती है. ये कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट असेट सिक्योरिटाइजेशन वाले केस में क्लैरिफाई करा कि मनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर नहीं होती हैं इन दिस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ऑलराइट, देन मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी लैंडमार्क केस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट पे, 2021 का केस है. इस केस के अंदर पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड 10 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट. टेक्निकली इस केस में क्या हुआ था, सेक्शन 7 के अंदर थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 2020, सेक्शन 7 के अंदर एक प्रोविजो ऐड किया गया था
और इस प्रोविजो के हिसाब से यदि कॉर्पोरेट डेटर स्पेसिफिकली यदि अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी थी बाय द रियल एस्टेट होम बायर्स, ठीक है, तो उन्हें मिनिमम कोरम मेंटेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 100 मेंबर्स का या फिर 10% ऑफ द टोटल अलॉटीज का, ठीक है। तो स्पेसिफिकली सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है इनिशिएशन और द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ऑलराइट, अब बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं उनकी कैटेगरी इसमें कवर्ड है अंडर सेक्शन 7, लेकिन ये जो प्रोविजो ऐड किया गया था अंडर सेक्शन 7 बाय द अमेंडमेंट एक्ट, ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट अलॉटीज के को अप्लाई कर रहा था, जिसमें उन्हें कोरम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट था इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, जबकि ये जो प्रोविजो था दिस वॉज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इन्होंने क्लेम किया बाय फाइलिंग दिस पर्टिकुलर सूट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दीज सेक्शंस वर चैलेंज्ड एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 वाज चैलेंज्ड स्टेटिंग दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 क्योंकि अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है बाय इम्पोजिंग दीज कंडीशन, ठीक है। दे क्लेम दैट इट्स एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बाय इम्पोजिंग अ सर्टन प्रोविजन लाइक दिस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में से क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, क्योंकि जो होम बायर्स हैं, जो रियल एस्टेट होम बायर्स हैं जिनके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करा गया था, वो डिफरेंट फुटिंग पे स्टैंड करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। देयरफोर ये इम्पॉर्टेंट है कि यदि उनके ऊपर 100 होम बायर्स का या 10% अलॉटीज का प्रोविजन एस्टैब्लिश डाला गया है थ्रू अमेंडमेंट एक्ट, सो दैट इज नॉट आर्बिटरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 बिकॉज ऑल टुगेदर दे स्टैंड ऑन अ वेरी डिफरेंट फुटिंग एज कम्पेयर टू ऑल द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये एक तरीके का रीजनेबल क्लासिफिकेशन कोर्ट ने हेल्ड किया, कोर्ट ने बोला कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट केसेस पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 2021, अगेन इट्स ऑन आईबीसी, स्पेसिफिकली इट्स ऑन आईबीसी सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्लॉज ए एंड इट्स रिलेशनशिप विद सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। अब सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट जो है वो डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है, ठीक है, कभी भी चेक का डिसऑनर होगा तो आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो एंड इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर एनआई एक्ट। 141 जो सेक्शन है वो भी रेलेवेंट है यहाँ पे, वो बात करता है ऑफेंस बाय कंपनी स्पेसिफिकली। तो यदि कोई कंपनी का भी ऑफेंस करती है तो मैनेजमेंट का जो इंडिविजुअल बंदा है, डिसऑनर ऑफ चेक का ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का तो जो बंदा है स्पेसिफिकली हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर डिसऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक, ही विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब एक यहाँ पे बात हुई है सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्लॉज ए की ऑफ द आईबीसी कोड 2016। ऑलराइट, तो अब ये क्या बोलता है स्पेसिफिकली, हमने अभी अभी पीछे एक केस देखा सेक्शन 14 का जो मोरेटोरियम की बात करता है, मोरेटोरियम प्रोसीडिंग्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे मेजर इशू ये था कि जब भी कोई डिसऑनर ऑफ चेक का प्रोसीडिंग लगाया हो गया हो अगेंस्ट द कंपनी अंडर सेक्शन 138 और 141 ऑफ एनआई एक्ट, क्यों तक तो क्या वो प्रोसीडिंग्स मोरेटोरियम के अंदर कवर होंगे अंडर सेक्शन 14? क्या उन प्रोसीडिंग्स को हम कवर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मॉरेटोरियम? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा कि हाँ, कोई भी डिसऑनर का प्रोसीडिंग यदि लगा हुआ है अंडर सेक्शन 138 और 141 ऑफ एनआई एक्ट, तो वो प्रोसीडिंग भी कवर होगा अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्लॉज ए, दैट इज अंडर मॉरेटोरियम प्रोविजन। तो ये कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा है इस पर्टिकुलर केस में। तो इसका जो रेशो डिक्टम है वो इसका रेशो है स्पेसिफिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 14 जो है उसका एम्बिट बहुत वाइड है और ये बहुत सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करता है। इसका स्पेसिफिक मोटिव सेक्शन 14 का कोर्ट ने इस केस के अंदर डिस्कस करते हुए ये बोला कि इसका मोटिव है शील्ड प्रोवाइड करना स्पेसिफिकली टू द कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फर्दर पिक्यूनरी अटैक्स।
जब तक पेंडेंसी चल रही है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की, तब तक उसको एक शील्ड प्रोवाइड करता है सेक्शन 14 कि वो फर्दर किसी और फाइनेंशियल डेट के अंदर ना एंटर करे और उस डेट के अंदर उसको कोई स्पेसिफिक अटैक ना किया जाए। जैसे कि यदि मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है तब मेरे पर डिसऑनर ऑफ चेक का केस लगाया जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि सेक्शन 14 में ये सारी प्रोसीडिंग्स भी कवर होती हैं और मोरेटोरियम के पीरियड में कोई भी स्पेसिफिक नया फाइनेंशियल अटैक देना या कुछ भी देना इज नॉट अलाउड, एंड दैट इज द सोल एंड सोल सोल मोटिव ऑफ सेक्शन 14 अंडर द आईबीसी एक्ट। तो इसी बात को कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि सेक्शन 14 एक शील्ड प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट डेटर को कि उसके ऊपर कोई और फर्दर पेक्यूनरी अटैक ना किया जाए स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लैंडमार्क केस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, मोहिंदर सिंह वर्सेज माल सिंह थ्रू अदर्स 2022 का केस है। ये स्पेसिफिकली गिफ्ट पे केस है। ठीक है, अब टू जज बेंच जजमेंट था, जस्टिस संजय किशन कॉल एंड जस्टिस MM सुंदरेश। इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 122 की बात हुई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 बात करता है गिफ्ट की और ये बोलता है कि डोनर जो है वो डोनी को फ्री विल से कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकता है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डोनी उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, और ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। इमूवेबल है तो उसके तरीके से, मूवेबल है तो उसके तरीके से। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन उठा, जो मेजर क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कोर्ट को वैल्यू बेस्ड जजमेंट ग्रांट करना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग वेदर अ वैलिड गिफ्ट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन द डोनर और डोनी और नॉट। नो, व्हाट इज अ वैल्यू बेस्ड जजमेंट? सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर केस में मेजर इशू ये था क्या कोर्ट को पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप को भी कंसिडर करना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट, या फिर यदि गिफ्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है तो ये इनफ होगा टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड गिफ्ट। दिस वॉज द मेजर इशू हियर। आंसरिंग दिस मेजर इशू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन केस, कोर्ट ने ये बोला कि जब तक गिफ्ट फ्री विल से दिया जा रहा है एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो यदि गिफ्ट फ्री विल से दिया जा रहा है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है तो कोर्ट को इस बात से कोई फायदा नहीं होना चाहिए या कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कोर्ट का इन द रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनी। यदि डोनी चाहे, डोनर चाहे, तो वो किसी अनजान स्ट्रेंजर डोनी को भी कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकता है। एट द एंड व्हाट रियली मैटर्स अकॉर्डिंग टू लॉ इज दैट देयर शुड बी फ्री विल इन द ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड प्लस द प्रॉपर्टी द गिफ्ट ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। तो कोर्ट का काम है सिर्फ दो बातें देखना व्हेन इट कम्स टू वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट। इसको सम अप करें तो पहला काम है कोर्ट का ये देखना कि फ्री विल है या नहीं उस गिफ्ट में, सेकंड वो गिफ्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके अलावा कोर्ट को अपना जजमेंट वैल्यू बेस्ड जजमेंट नहीं देना चाहिए। दैट मींस कोर्ट शुड नॉट लुक इनटू द मैटर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द डोनर एंड डोनी हैड इन ऑल टुगेदर। कोर्ट को इसमें डिवेल अपॉन नहीं करना चाहिए। कोर्ट का बेसिक सा काम है ये असर्टेन करना कि ट्रांजैक्शन के अंदर फ्री विल है या नहीं है और ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बस। देन कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेज ए बालाकृष्णन अनदर वर्सेज टू एंड अनदर 2022 का जजमेंट है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई एंड जस्टिस AS बोपन्ना। स्पेसिफिकली दिस केस इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 5(8) ऑफ IPC। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 7 टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, बिफोर NCLT। ये जो एप्लीकेशन थी ये एडमिट कर ली गई बाय द कोर्ट। फिर एक अपील फाइल हुआ हाई कोर्ट में और वहाँ पर ये बोला कि ये जो डिफॉल्ट डेफिनेशन है सेक्शन 5(8) में ये प्रेजेंट मैटर को कंसिडर नहीं करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस वापस अपील फाइल हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो डेफिनेशन दे रखा है डिफॉल्ट का अंडर सेक्शन 5(8), ठीक है, ये काफ़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है और अ क्लेम ऑफ रिकवरी, अ क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ अ रिकवरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अ क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ अ रिकवरी सर्टिफिकेट भी डिफॉल्ट में ही कवर होगा।
कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा कि यदि कोई रिकवरी बन रही है फ्रॉम रिकवरी सर्टिफिकेट और वो डिफॉल्ट है तो वो भी डिफॉल्ट की डेफिनेशन में कवर होगा अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 8। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर डेट कोटक महिंद्रा बैंक को रिकवर करना है ये जो है ये डिफॉल्ट की डेफिनेशन में कवर होगा और इसके लिए प्रोसेस इनिशिएट की जा सकती है एज इट कैन बी इनिशिएटेड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डेट अंडर दैट पर्टिकुलर अंडर द लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली। ठीक है, ऑलराइट। देन महिमा दत्ला वर्सेस रेनिको दत्ला, अगेन इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी जजमेंट, अभी अभी मई का जजमेंट है, मई 2022 का जजमेंट है। जस्टिस विनीत सरन एंड जस्टिस जे के माहेश्वरी इसमें बेंच है। इसमें बेसिक सी बात है कि डुओमैटिक प्रिंसिपल जो कंपनी लॉ में एप्लीकेबल होता है जनरली, क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल है? अब पहले समझ लेते हैं यह डुओमैटिक प्रिंसिपल क्या होता है। डुओमैटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये डुओमैटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डुओमैटिक प्रिंसिपल जो है ये इंग्लिश लॉ का स्पेसिफिकली प्रिंसिपल है। यदि मैं आपको बहुत ब्रीफली इसे एक्सप्लेन करूं तो जो चीज डायरेक्टर्स, ठीक है, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर एनी फॉर्मेट ऑफ रेजोल्यूशन से कर सकते हैं फॉर्मली, वो चीज डायरेक्टर्स इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे लोगों का उसमें अग्रीमेंट हो। अब ये जो प्रिंसिपल है ये इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा कि ये जो इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है क्या ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल होगा? हाँ, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल होगा। और कोर्ट ने यहाँ पर ये भी बोला कि यदि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी, जैसे क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी जिसके लिए कोर्ट ने कुछ सेक्शंस को रेफर करा, सेक्शन 196 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 5, सेक्शन 397, सेक्शन 10F, तो कोर्ट ने यहाँ पे ये क्लैरिफाई करा कि कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्पेंस्ड किया जा सकता है यदि सारे मेंबर्स कंसेंट दे तो। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 196 को और शेड्यूल 5 को रेफर करा जो ये बोलता है कि कोई भी होल्ड टाइम डायरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टिल द एज ऑफ 70 इयर्स एम्प्लॉयड होगा कंपनी में। लेकिन इसमें एक और बात लिखी गई है, यदि कंपनी के सारे लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, ठीक है, और उस डायरेक्टर को कंटिन्यू करने के लिए अलाउ कर देते हैं इवन बियॉन्ड 70 इयर्स, तो ये अलाउड होगा। Now this is where the principle of duomatic application comes into picture. Law कहता है 70 साल, लेकिन उसमें एक और बात लिखी गई है कि यदि by agreement parties decide करती हैं कि हमें इस period को extend करना है, by special resolution यदि वो लोग assent देते हैं कि हाँ हमें इस period को extend करना है, तो वो इस period को extend भी कर सकते हैं। Duomatic application के लिए court ने काफ़ी सारे provisions का example दिए, जैसे section 196, schedule 5 जो age of the director की बात करते हैं, उसके बाद section 397 है companies act का जो specifically operation of minority stakeholder की बात करते हैं कि वो भी थ्रू एग्रीमेंट आके केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, क्वेश्चन उठा सकते हैं ऑन द डिसीजन व्हेन देयर समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो कोर्ट ने महिमा दत्ला वाले केस में ये क्लैरिफाई करा कि जो डुओमैटिक प्रिंसिपल इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है वो सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पे बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वड है। मतलब सिंपल सी बात है, ब्रीफली इसको सम अप करते हैं, डुओमैटिक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि लॉ में लिखी हुई बात को भी डिस्पेंस किया जा सकता है यदि सब लोग उस पर कंसेंट दे तो, मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर कंसेंट दे तो, रेजोल्यूशन पास हो जाए तो। एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ डुओमैटिक प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस, बस इसके अलावा इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो दिस इज वॉट द कोर्ट हैज स्टेटेड इन द महिमा दत्ला केस। ठीक है, देन हमारे YouTube पेज पे क्लैट पीजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास अवेलेबल है 3 दिन की, जो भूमिका मैम ने ली है, उसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस डिस्कस करें। आपने वो नहीं देखे हैं, सॉरी क्वेश्चंस डिस्कस करें, आपने वो नहीं देखा है तो आप बस वो देख सकते हैं। हमारे ओपन मॉक्स भी अवेलेबल है, 12 जून को हमारा ओपन मॉक हुआ था, वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो बिफोर एग्जाम। 13th, 14th और 15th को हमारे टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे हमने 3 मास्टर क्लासेस ली हैं। ठीक है,
आप वो मास्टर क्लास को भी अटेंड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उसकी रिकॉर्डिंग को बाय रजिस्टरिंग फॉर द मास्टर क्लास. ऑल्दो दैट हैज हैपेंड बट यू मे एक्सेस द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मास्टर क्लास. वी ऑल हैव डिस्कस्ड एंड ट्राई टू इनकलकेट ऑल द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ब्रीफली. प्लस 22 जून को हम लोग मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं एलेट पीजी की, एंड 22 जून को ही हम एक ओपन मॉक भी ला रहे हैं एलेट पीजी पैटर्न बेस्ड. तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. प्लस 2-3 दिन के अंदर एग्जाम आने वाली है, तो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेस बर्स्ट करते हैं. काम रहिए, पढ़ाई कीजिए. इस टाइम पे काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइम पे कुछ नया पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, बट हाँ जो पढ़ा हुआ है उसका रिविजन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. और जितना काम एंड कूल रह के हम लोग पेपर देंगे उतना अच्छा स्कोर हम एग्जाम में कर पाएंगे. ऑलराइट, सो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू. मैंने काफ़ी ब्रीफली चीज़ें एक्सप्लेन की. यदि आपको IBC का बेसिक नहीं आता है तो आप नीलम मैम की मास्टर क्लास देख सकते हो जो 15 जून को हुई है, दैट इज़ येस्टरडे. सो यू कैन एक्सेस हर मास्टर क्लास ऑन द टॉप रैंकर्स पोर्टल ऑल्सो. ऑलराइट, सो यू कैन कवर द बेसिक्स देयर, प्लस यू कैन कवर द केस लॉज ऑन IBC थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो आई होप द सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, कीप काम एंड जस्ट फोकस. ऑलराइट, थैंक यू.